बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामुअलैकुम। उर्दू है जिसका नाम सभी जानते हैं दाग, उर्दू है जिसका नाम सभी जानते हैं दाग, सारे जहां में धूम हमारी ज़बाँ की है। जी, आज जो सबक हम पढ़ने जा रहे हैं प्यारे बच्चों, वो है उर्दू ज़बान। जी, और ये आपकी किताब के सफ़ा नंबर 84 पर है। सबसे पहले तो मैं यहाँ ज़बान और ज़ुबान का फ़र्क आपको बताऊँगी। एक होता है ज़बान और एक लफ्ज़ होता है ज़ुबान। क्या फ़र्क है? जी, मैं आपको बताती हूँ फ़र्क क्या है। एक है ज़बान और एक है ज़ुबान। ज़बान कहते हैं वो बोली जो हम और आप बोलते हैं, ठीक है। अब वो उर्दू भी हो सकती है, इंग्लिश भी हो सकती है, सिंधी भी हो सकती है, पंजाबी भी हो सकती है, अलगर्ज़ ये कि कोई सी भी बोली जो हम और आप जिस ज़बान में बात करते हैं उसको ज़बान कहते हैं। और एक लफ्ज़ है ज़ुबान। ज़ुबान का मतलब वो ज़ुबान है जो आपके और हमारे मुंह में है, यानी गोश्त का ये लोथड़ा, इसको कहते हैं ज़ुबान। तो आपको इस फ़र्क को हमेशा याद रखने की ज़रूरत है। तो आइए चलते हैं अपने सबक उर्दू ज़बान की तरफ। अपनी किताबें खोल लीजिए, सफ़ा नंबर 84। जी बेटा, उर्दू ज़बान। उर्दू हमारी कौमी ज़बान है। ये दुनिया की मारूफ तरीन ज़बानों में से एक है। उर्दू की इब्तिदा के बारे में मुख्तलिफ आरा पाई जाती हैं। बाज़ माहिरीन का ख़्याल है कि उर्दू सिंध की सरज़मीन पर पैदा हुई। कुछ का ये ख़्याल है कि इसका ताल्लुक़ पंजाब से है और चंद लोगों ने खैबर पख्तूनख्वा से इसका ताल्लुक़ बयान किया है। इन तमाम ख़यालात से ये बात साबित हुई है कि उर्दू का ताल्लुक़ पाकिस्तान के हर इलाके से है। हर इलाके के लोग इसे पसंद करते हैं और इसे अपनी ज़बान करार देते हैं। इससे उर्दू ज़बान की अहमियत उजागर होती है। हमारे मुल्क में और ज़बानें भी बोली जाती हैं, जिनमें सिंधी, पंजाबी, बलोची, पश्तो, बराहिवी, सराइकी और कश्मीरी शामिल हैं। मुख्तलिफ सूबों में बोले जाने वाली सब ज़बानों को अहमियत हासिल है। अलबत्ता उर्दू अपनी इफादियत की वजह से ज़्यादा अहमियत हासिल कर चुकी है। हम देखते हैं कि सिंध का कोई फ़र्द पंजाब, बलूचिस्तान या खैबर पख्तूनख्वा के किसी इलाके में जाए तो वहाँ उसे बातचीत करने में दुश्वारी पैदा होती है, क्योंकि वहाँ की इलाकाई ज़बान से नावाकिफ होता है। यही हालत किसी और सूबे के शख्स की भी होती है जब वो सूबाई सिंध के किसी इलाके में आ जाए। उस वक्त शिद्दत से इस बात की ज़रूरत महसूस होती है कि कोई ऐसी ज़बान हो जो हर सूबे का शख्स बआसानी बोल और समझ सके। ये ज़रूरत हमारी कौमी ज़बान उर्दू पूरा कर सकती है, क्योंकि मुल्क के हर इलाके के लोग उर्दू बोल सकते हैं, समझ सकते हैं और लिख सकते हैं। ये मुल्क के तमाम लोगों के दरमियान रबते का मौसर ज़रिया है। यही वजह है कि उर्दू को पाकिस्तान की कौमी ज़बान करार दिया गया है। इसीलिए इसी तालीमी इदारों में उर्दू को लाजमी मज़मून की अहमियत हासिल है। हमारे मुल्क में जो मुख्तलिफ ज़बानें बोली जाती हैं उनका आपस में गहरा ताल्लुक़ है। यह ताल्लुक़ कौमी इत्तेहाद पैदा करता है। उर्दू ज़बान इस इत्तेहाद को मुस्तहकम व मज़बूत करने का बाइस है। हमें ये बात जहन नशीन करनी चाहिए कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाक़ों की ज़बानों की तरक्की कौमी ज़बान की तरक्की है। इसी तरह कौमी ज़बान की तवानाई इलाकाई ज़बानों की तवानाई है। सब ज़बानें एक दूसरे से मिलजुल कर ही तरक्की कर सकती हैं। पाकिस्तान के आईन में साफ लिखा है कि पाकिस्तान की कौमी ज़बान उर्दू है। इसी हवाले से मुल्क में उर्दू के निफाज की कोशिशें की जाती हैं। उर्दू के माहिरीन और अदीब व शायर इसकी तरक्की के लिए कोशा हैं।
मौजूदा दौर में हर मज़मून पर उर्दू किताबों का ज़खीरा मौजूद है। कई मग़रबी मुमालिक में उर्दू ज़बान के अखबारात निकलते हैं। दुनिया के मशहूर यूनिवर्सिटियों में उर्दू ज़बान पढ़ाई जाती है। उर्दू ज़बान को सरकारी ज़बान की हैसियत से राइज करने के लिए इकदाम भी किए जाते रहे हैं। अक़वामे मुत्तहिदा के मुताबिक दुनिया में उर्दू का शुमार ज़्यादा बोली जाने वाली ज़बानों में होता है। इससे अंदाज़ा होता है कि हमारी ज़बान तेज़ी से तरक्की कर रही है। हमें भी चाहिए कि इसे मोहब्बत करें और इसे फ़रोग दें। जी, अपनी ज़बान उर्दू, प्यारी ज़बान उर्दू, हम सब का नाज है ये हमारी ज़बान उर्दू। जी बेटा, हम सब की कौमी ज़बान उर्दू है। अब आपने यहाँ थोड़ी सी तारीख देखी, हिस्ट्री देखी। आइए, सबसे पहले तो कोई भी ज़बान जब हम पढ़ते हैं या सीखते हैं या जानते हैं तो उसकी बुनियादी चीज़ें कुछ ख़ास होती हैं। जैसे उर्दू ज़बान में हुर्फ़ तहज्जी। जी हाँ, ये हुर्फ़ तहज्जी हैं। आपने यकीनन इब्तदाई जमात में ये हुरूफ़ तहज्जी पढ़े थे। ये कितने होते हैं आपको पता है? जी, ये होते हैं 37 होते हैं। देखिए, मैं यहाँ लिखती हूँ 37। एक दफ़ा पढ़ते हैं इसको, क्योंकि ये ग्राफ आपके किताब में भी मौजूद है, लिहाजा हम इनको पढ़ लेते हैं एक दफ़ा। देखिएगा, अलिफ मदा, अलिफ बे पे ते टे से, जीम चे हे खे, दाल डाल जाल रे रे जे जे, सीन शीन, स्वाद द्वार, तोएं जोएं, एन गैन, फे काफ, काफ गाफ, लाम मीम, नून वाओ, हे हमज़ा। अब हम अक्सर इसको क्या बोलते हैं, छोटी ये बड़ी ये, ये दोनों ये हैं। लेकिन कहीं जब ज़ेर की आवाज़ निकलती है तो हम छोटी ये को इस्तेमाल करते हैं, और जब कहीं आवाज़ को आपने लंबा करके पढ़ना होता है या ज़बर की आवाज़ में देना होता है तो हम ये लगाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे हुरूफ़ तहज्जी हैं जो हमें याद भी हैं, और हम इस हुरूफ़ तहज्जी से मिलकर बनाते हैं लफ्ज़, लफ्ज़ से मिलकर बनते हैं अल्फाज, अल्फाज से मिलके बनते हैं जुमले, जुमलों के ज़रिए हम और आप करते हैं बातें। जी, तो उर्दू ज़बान जो है ना बेटा, वो एक ऐसी ज़बान है कि जो लोगों के मेल जोल से, मिलने जुलने से, आपस में राबता रखने से वजूद में आई। जी, सबसे पहले जनूबी एशिया में जब मुग़ल बादशाह हुकूमत किया करते थे और मुसलमानों की हुक्मरानी थी, जब मुसलमान आए थे, जब 17वीं सदी ईस्वी में मुसलमान आए थे, तो हुआ क्या था? 17वीं नहीं बेटा, 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम आए थे। जी, तो जब से समझिए कि एक ऐसी ज़बान की ज़रूरत पेश आई, क्योंकि वो अरबी बोलते थे मुसलमान या फ़ारसी बोलते थे, और जब वो हिंदुस्तान में आए थे, जनूबी एशिया में आए थे, तो यहाँ बहुत सारी जो है कहना चाहिए कौमियतें थीं, बहुत सारी ज़बान बोलने वाले लोग थे, तो बहुत सारे अल्फाज थे, बहुत सारी आवाज़ें थीं। और जब उर्दू, फारसी, हिंदी, संस्कृत, पंजाबी, बलोची, पठान, मतलब मुख्तलिफ ज़बानें जब आपस में मिलने लगीं और एक दूसरे से उनके अल्फाज लेने लगी, तो एक नई ज़बान जो ग्रोही या लश्करी ज़बान कहलाई, वो उर्दू थी। तो उर्दू ज़बान बनना शुरू हुई। ठीक है, उर्दू ज़बान का वजूद ऐसे आया। अब तारीख़ में मुख्तलिफ बातें, जैसे कि आपने अपने सबक में भी पढ़ा, कोई कहता है कि ये पंजाब में पैदा हुई, कोई कहता है कि ये सिंध की सरज़मीन से निकली, तो किसी ने इसको खैबर पख्तूनख्वा की ज़बान भी माना है। क्यों ये लोग इस तरह की बातें करते हैं? इसलिए करते हैं कि बेटा उर्दू ज़बान वो वाहिद ज़बान है जिसमें हर ज़बान के अल्फाज हैं, है ना। आपने अक्सर देखा होगा कि, और ना सिर्फ ये कि उसमें अल्फाज हैं, इंग्लिश के भी अल्फाज हैं उस ज़बान में,
बल्कि आपने अक्सर देखा होगा कि जब आप किसी दूसरे ज़बान का लफ्ज़ उर्दू ज़बान में शामिल करते हैं तो वो उसका हिस्सा लगता है, ऐसे ही होता है ना। अब हम आम बोलचाल में क्या कर रहे होते हैं, उर्दू इंग्लिश मिक्स करके बात, जैसे मैंने अभी की, मिक्स करके है ना, मिला के बात करते हैं। तो उर्दू की ये खासियत है कि वो अपने दामन में हर ज़बान को ले लेती है। उर्दू का दामन इतना वसी है। अब पाकिस्तान की हम बात करते हैं कि जब पाकिस्तान में, पाकिस्तान का क़याम अमल में आया तो पाकिस्तान में एक ऐसी ज़बान की ज़रूरत थी जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाके में, मुख्तलिफ सूबों में रहने वाले लोगों के दरमियान राब्ते का काम सरंजाम दे। सबसे पहले तो जब हम पाकिस्तान बना रहे थे ना, हमारे बुज़ुर्ग और पाकिस्तान बनाने के लिए कोशिशें कर रहे थे, तो उस वक्त इस ज़बान की अहमियत सबको नज़र आई और समझ में आई कि जब वो राब्ता करते थे और अपनी बात उन तक पहुंचाते थे तो ये ज़बान एक वाहिद ज़बान थी जो सब लोग समझते थे, ठीक है। और वो पैगाम जो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का पैगाम था, वो इस ज़बान के ज़रिए हिंदुस्तान के गोशे गोशे में, कोने कोने में फैल गया। फिर पाकिस्तान वजूद में आया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने हमें एक आज़ाद मुल्क पाकिस्तान की सूरत में दिया। और जब पाकिस्तान वजूद में आया तो इस ज़बान को सरकारी सतह पर कौमी ज़बान की अहमियत हासिल हो गई। अब आप ये देखते होंगे, चाहे हमारे मुल्क के और दूसरे भाई जो सिंधी बोलते हैं, जो पंजाबी बोलते हैं, जो बलोची बोलते हैं, जो पश्तो बोलते हैं, कश्मीरी बोलते हैं, सराइकी बोलते हैं, या कोई भी ज़बान बोलते हैं, वो उर्दू ज़रूर जानते हैं, है ना। भले हम उनकी ज़बानें नहीं जानते लेकिन जब हम उनसे बातचीत करते हैं, लेन देन करते हैं, या रابطہ करते हैं, या हम उन सूबों में जाते हैं या उन सूबों के लोग हमारे सूबे में आते हैं, तो हम आसानी से अपने हमवतनों से बातचीत कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उर्दू ज़बान को मरकज़ी अहमियत और हैसियत हासिल है। अब ना सिर्फ ये कि उर्दू ज़बान सिर्फ बोलने और बातचीत करने और रابطے की ज़बान है, बल्कि उर्दू ज़बान के अंदर कहना चाहिए इल्म का ज़खीरा है, किताबें हैं जी, जिसमें तहरीरी मवाद ऐसा है जो मालूमात का ख़जाना है। और फिर उर्दू ज़बान को हमारी तालीमी जो कहना चाहिए मदारिज है, तालीमी सिलसिला है, उसको भी मरकज़ी हैसियत हासिल है। और उर्दू ज़बान को हम लाजमी मज़मून की हैसियत से पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये हमारी ज़बान उर्दू की अहमियत थी कि उर्दू का दामन इतना वसी है कि इसमें जराइद हैं, अखबारात हैं, रसाइल हैं, कुतुब का एक ख़ज़ाना है, और उर्दू ज़बान में नशरियात होती हैं जी। आप टीवी रेडियो पे सुनते हैं ना, क्योंकि हमारी कौमी ज़बान उर्दू है, लिहाजा सरकारी सतह पर भी इसको ये अहमियत हासिल है और हम उर्दू ज़बान के ज़रिए बातचीत करते हैं। गो के अभी उर्दू को सरकारी सतह पर सरकारी ज़बान की हैसियत पेपरों में तो मिल गई है, कागजात पे, दस्तावेजात पे तो मिल गई है, लेकिन मुकम्मल तौर पर उसको राइज नहीं किया गया, नाफिज नहीं किया गया। तो इसके लिए भी कोशिशें जारी हैं और एक वक्त ऐसा आएगा कि हम और आप जो अपने फॉर्म और ये तमाम चीज़ें कर रहे होते हैं उसमें उर्दू ज़बान में उन तमाम बातों को तहरीर करेंगे, ठीक है। तो अब आपको उर्दू की अहमियत का अंदाज़ा हुआ। अब जब आप उर्दू पढ़ते हैं ना बेटा, तो आप गौर से तलफ़ सुना कीजिए, समझा कीजिए और उर्दू को जाना कीजिए और उर्दू में बेहतरीन इंशा परदाज़ी कीजिए। इंशा परदाज़ी क्या है? लिखने की सलाहियत। जो आप सोचते हैं ना, आप जब उनको लिखेंगे तो आपकी उर्दू बेहतर होगी, ठीक है। अब आपको और हमको मिलकर अपनी ज़बान उर्दू की तरक्की के लिए, उसकी तरवीज के लिए और बेहतर उर्दू, बेहतर उर्दू क्या है, आप ये देखते हैं कि इस वक्त जो हमारे इर्द गिर्द लोग बातचीत करते हैं, आप भी और हम भी, तो हम सही उर्दू नहीं बोलते हैं ना। हम बहुत सारे अल्फाज ऐसे बोलते हैं जो उर्दू का हिस्सा ही नहीं है। मिसाल के तौर पे अब कहते हैं मैंने ये काम किया, लफ्ज़ सही है, लेकिन बाज़ लोग इसको किस तरह कहते हैं, मैंने ये काम करा, तो लफ्ज़ करा या करी उर्दू ज़बान का हिस्सा नहीं है, ठीक है। बहुत से गलत कहना चाहिए नज़रियात और बहुत से गलत अल्फाज हमारी ज़बान का हिस्सा बन रहे हैं। आपको दुरुस्त अल्फाज, तहज़ीबी याफ्ता अल्फाज, पढ़ी लिखी तालीमी याफ्ता ज़बान में गुफ्तगू करना चाहिए, सीखना चाहिए और समझना चाहिए, और साथ ही दूसरे
अपने इर्द गिर्द के बहन भाई हों, आपके दोस्त हों, आपके जो भी करीब हों, अगर इस तरह के अल्फाज वो खुद बोलते हों, कहते हों, तो आपको उन्हें रोकना चाहिए। ठीक है, तो आज हमने उर्दू ज़बान के मुतालिक बहुत सारी चीज़ें सीखी, जानी और समझी, और आपको यकीनन फ़ख्र महसूस हुआ होगा कि हमारी उर्दू ज़बान इतनी प्यारी ज़बान, इतनी मीठी ज़बान है ना, राब्ते की ज़बान। और दुनिया में बैनुल अक़वामी सतह पे देखें तो दुनिया की चौथी बड़ी ज़बान में शुमार होती है। ना सिर्फ पाकिस्तान में बोली पढ़ी जा रही है, बल्कि अमेरिका की यूनिवर्सिटियों में भी एक ज़बान की, एक लैंग्वेज की हैसियत से उर्दू ज़बान को पढ़ाया जा रहा है। और हमारा जो पड़ोसी मुल्क है चीन, वहाँ के तो बहुत सारे लोग उर्दू को बोलते हैं, बहुत खुश उसलूबी से अदा करते हैं, उर्दू का तलफ़ुज़ उनका बहुत अच्छा होता है। और चीन की यूनिवर्सिटी में इस मज़मून को ख़ास कहना चाहिए, ख़ासुल ख़ास अहमियत हासिल है, और वो लोग बड़े शौक़ से और लगन से उर्दू ज़बान सीखते और पढ़ते हैं। और चूंकि चीन से हमारे दोस्ताना ताल्लुकात हैं, ब्रादराना ताल्लुकात हैं, हमसाया मुल्क है, तो हमारी यूनिवर्सिटीज़ में भी चीनी ज़बान पढ़ाई जा रही है और बच्चे बड़े शौक़ से पढ़ रहे हैं। तो क्या है, ज़बान एक दूसरी कौमों को करीब लेकर आती है, मोहब्बत पैदा करती है, यगानगत पैदा करती है, और उर्दू ज़बान तो है ही ऐसी प्यारी और मीठी ज़बान। ठीक है बेटा, तो मुझे यकीन है आपको ये मज़मून उर्दू ज़बान बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। अब हम इसके मशकी सवालात और अल्फाज मायने करेंगे। ठीक है, इस चलिए अल्फाज मायने देखते हैं। मारूफ, मशहूर या ख़ास। आरा, जमा है राय की, जिसका मतलब है मशवरा। अफादियत, फ़ायदा। जहन नशीन, जहन में रखना यानी याद रखना। राइज, दस्तूर, कानून या जारी होना किसी चीज़ का। फरोग, तरक्की। ठीक है, ये तो थे बेटा अल्फाज मायने जो आपने अपनी कॉपीज़ में करने हैं। और अब हम सफ़ा नंबर 86 पे दिए गए मशक के सवालात के जवाबात जानेंगे। सवाल नंबर एक है, दिए गए सवालात के जवाबात लिखिए। और अलिफ है, हमारे मुल्क में कौन कौन सी ज़बानें बोली जाती हैं। तो बेटा सबक में बहुत वाज़ह तौर पे आपको बताया गया है कि हमारे मुल्क में कितनी ज़बानें बोली जाती हैं, आप वो पढ़ें और ढूंढ के उनके जवाब लिख दीजिए। बे, सवाल नंबर है, कौन सी ज़बान तमाम सूबे के दरमियान रबते का काम देती है। तो यकीनन उर्दू ज़बान। ठीक है, सवाल जीम है, उर्दू की इब्तिदा के बारे में क्या आरा पाई जाती है। तो क्या आरा राय थी कि कोई कहता है कि पंजाब में इसकी इब्तिदा हुई, कोई सिंध में, और कुछ लोगों का मानना था खैबर पख्तूनख्वा में। तो ये इस सवाल का जवाब है। सवाल है दाल, ज़बानें किस तरह तरक्की कर सकती हैं। ज़बानें किस तरह तरक्की कर सकती हैं, जब ज़बानें एक दूसरी ज़बान से मिलती हैं तो उनमें नए अल्फाज दाखिल होते हैं और इस तरह उस ज़बान का दामन वसी होता है और ज़बानें तरक्की करती हैं। सवाल नंबर दो देखिए, मैं खाली जगह में दुरुस्त लफ्ज़ के साथ आपको खाली जगह पढ़ के सुना रही हूँ। अलिफ, उर्दू के माहिरीन और अदीब व शायर इसकी तरक्की के लिए कोशां हैं। बे, उर्दू का शुमार दुनिया में ज़्यादा बोली जाने वाली ज़बानों में होता है। जीम, उर्दू को पाकिस्तान की कौमी ज़बान करार दिया गया है। दाल, हर इलाके के लोग इसे पसंद करते हैं। हे, मुख्तलिफ सूबों में बोली जाने वाली सब ज़बानों को अहमियत हासिल है। सवाल तीन देखिए, वो अल्फाज जो एक लफ्ज़ का ताल्लुक़ किसी दूसरे लफ्ज़ से जोड़ते हैं, हम उन्हें हुरफ़े रब्त कहते हैं। रब्त यानी राबता। अब उसमें क्या क्या हरूफ आते हैं बेटा, वो आते हैं, इन्होंने यहाँ लिखे हुई मिसालें, का, की, के, ने, को, ते, तक, पर, से। जहाँ जहाँ ये अल्फाज हों, एक दफ़ा अगर रिपीट हो रहा है, बार बार आ रहा है, वो लफ्ज़ दो दफ़ा लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको। वो लफ्ज़ कि यहाँ मौजूद है तो आपने निकाल लिया एक दफ़ा, अब भले पूरे सबक में हो, फिर दूसरा लफ्ज़ ढूंढे, मौजूद है तो वो भी निकाल लें। इस तरह आप उर्फ़े रब्त का एक कॉलम बनाएं और उसको उसमें लिख लीजिएगा। अब सवाल नंबर चार है, खाली जगहों में उर्फ़े रब्त की मदद से जुमला मुकम्मल कीजिए। तो आपको उर्फ़े रब्त खाली जगहों में लगाना है, जो मैं यहाँ पर लगा कर पढ़ रही हूँ, आप देख लीजिए। अली को ऐसा महसूस हुआ कि किसी ने इसके कपड़ों पर पानी फेंका है। ठीक है बेटा,
अब आपको मुतरादिब अल्फाज लिखने हैं सवाल नंबर 5 में। इन्होंने बेटे यहाँ पे सवाल के नंबर गलत डाल दिए हैं मेरे ख्याल से, क्योंकि हमने अभी सवाल नंबर 4 पढ़ा था, तो अब इस सवाल को आपने 3 नहीं लिखना, 5 लिखना है। दिए गए अल्फाज के मुतरादिफ, मुतरादिब कहते हैं उन अल्फाज को जिनके मायने एक जैसे होते हैं लेकिन उनके लिखने के अंदाज में तब्दीली होती है। मिसाल के तौर पर इन्होंने आपको अल्फाज दिए हैं रिहाइश, दाग, गिनती, बोली, इजलास और शक। हम क्या बनाएंगे? रिहाइश क़याम, दाग धब्बा, गिनती शुमार, बोली ज़बान, इजलास कचहरी, शक वहम। ठीक है, अब आ जाइए आपको सवाल नंबर छः में देना है मुतजाद अल्फाज। अब कम, नफ़ा, उजाला, आलिम, तेज़ी, शक। तो ये PDF के ज़रिए आप तक पहुंच जाएगा इस सवाल का जवाब, और आप अपनी कॉपी में कर लीजिएगा बेटा। सवाल नंबर 7 देखिए बेटा, सवाल नंबर 7 में आपको सिखाए जा रहे हैं वावेन। जी, वावेन किसको कहते हैं? वावेन दरअसल दो पेश सीधे और दो पेश उल्टे। अब इस वावेन के दरमियान आता क्या है? इस वावेन के दरमियान उर्दू ग्रामर की रो से हम जब किसी दूसरे की बात को बयान करते हैं, मिसाल के तौर पे अगर हम कहते हैं अम्मी ने कहा नमाज पढ़ के खाना खा लो, यानी वो बात जो अम्मी की थी लेकिन हमने अपने अल्फाज में दोहराई, जब हम तहरीर करने लगते हैं तो अम्मी ने कहा है कि नमाज पढ़ के खाना खा लो, तो ये जुमला जो अम्मी का है नमाज पढ़ के खाना खा लो, वो इन दो वावेन के दरमियान आता है। ठीक है, अब मज़ीद इनको किस तरह समझते हैं हम। अब आपको चंद जुमले दिए जा रहे हैं सवाल नंबर 7 में, और आपसे कहा जा रहा है कि मुनासिब जगह पर वावेन का इस्तेमाल कीजिए। कायदे आज़म ने फरमाया कि पाकिस्तान की कौमी ज़बान उर्दू होगी। अब कायदे आज़म ने फरमाया के बाद वो अल्फाज जो हमने अदा किए पाकिस्तान की कौमी ज़बान उर्दू होगी, वो दरअसल बाबा कौम कायदे आज़म के अल्फाज थे, लिहाजा पाकिस्तान की कौमी ज़बान उर्दू होगी ये जुमला इन दोनों वावेन के दरमियान आएगा। इसी तरह हमारे पास मज़ीद जुमले उन्होंने दिए हैं, और हम इसको पढ़ के अच्छी तरह से समझ के वावेन को दुरुस्त जगह पर लगाएंगे। तो ये तो था हमारे आज के सबक उर्दू ज़बान के मश्की सवालात के जवाबात, जो कि आपको अपनी कॉपी में तहरीर करने हैं, और इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द हमारी और आपकी मुलाकात स्कूल में होने वाली है। जी बेटा, आपके स्कूल खुलने वाले हैं ना इंशाल्लाह ताला, तो हम अब आइंदा जो भी सिलेबस पढ़ेंगे वो अपने स्कूल में इंशाल्लाह ताला पढ़ेंगे। जब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखिए, और हमारी तरफ से अल्लाह हाफिज़।